आईआईटी मद्रास से बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्री लाया हूँ। बहुत ही इजी डायग्राम है, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, बहुत ही इजी फिगर है। मैं इसका ऑर्थोग्राफी बताऊंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, जो कि बहुत ही सरल में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लाकर आप जरूर देखें। जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और आगे भी इस तरह अपडेट मिलता रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी। तो इसमें भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड और टॉप, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें डायमेंशन हमारे 1, 2, 3 एंड 3 डायमेंशन दे दिए होते हैं और टॉप व्यू का डायमेंशन नहीं दिया होता है। तो कुछ लोग टॉप व्यू का डायमेंशन नहीं समझ पाते हैं कि टॉप व्यू का डायमेंशन दिया ही नहीं है तो हम कैसे बनाएं। तो सारा डायमेंशन एक्चुअली दे चुका है, बस आपको समझने की कोशिश है कि इसका डायमेंशन हमें कहां से पता होना चाहिए। तो आज मैं बहुत तेजी तरीके से बताने जा रहा हूं। ये हमारा फ्रंट, ये हमारा साइड है। तो हम देखेंगे कि फ्रंट व्यू हमारा किस साइड में है। तो फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड में है, साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में है और टॉप व्यू ठीक फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, यानी राइट हैंड साइड। यानी फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड में बनेगा तो टॉप व्यू राइट हैंड साइड में ही बनेगा। केवल साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। चलिए डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में डायमेंशन लेंथ कितनी दी हुई है, 40 mm, हाइट कितनी दी है, 60 mm। यानी ये 40 है तो हमारा इसकी भी लंबाई होगी 40 mm, ये 60 है तो इसकी भी लंबाई होगी 60 mm। तो जो दिखता है अगर हम सामने से देखेंगे किस चीज को, तो हमें ये जो हेक्साइन की हुई है ये लाइनिंग, हमें केवल जो रेड कलर का हमने किया हुआ है सिर्फ वही दिखेगा। तो हमें वही चीज बनाने होते हैं। तो चलिए जो चीज हमें दिखता है हमें वो बना लेते हैं। यानी 40 दी हुई है, हाई कितनी दी हुई है, 60। तो हम चलते हैं 40 और 60 का एक बनाते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, 10 mm छोड़ेंगे, यहां से 10 mm 10 mm 10 mm। ये हमारा लाइन है, हल्की लाइन होगी और ये डार्क लाइन होगी, हम इसी पर डायग्राम बनाएंगे। तो इसकी हाइट कितनी है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस वाले बिंदु से, ये जो बिंदु है यहां से हम 60 नीचे की तरफ लेंगे। ये 60 नीचे की तरफ ले लिया, फिर ये है हमारी, यहां पर देख सकते हैं 40 mm। तो मैंने इसको 40 mm ले लिया। ये 40 mm ले लिया, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये हमारा ये 60, ये 60, ये 40, ये 40। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेजर से इरेज कर देंगे और यहां से भी जो निकला है हम इसको इरेज कर देंगे कुछ इस तरीके से। यानी हमारा ये फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया, डायमेंशन लास्ट में देते हैं। अब हम साइड व्यू पर आते हैं। तो साइड व्यू में हमने देखा है हाइट इसकी और इसकी लेंथ, इसकी लेंथ हमारी 20 है और इसकी हाइट हमारी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 60 mm है। यानी ये 60 है तो ये भी 60 है और ये भी 60 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 है। और साइड व्यू से जो हमें दिखता है वही हमें बनाने होते हैं। यानी ये जो डॉट 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 है हमें इतने ही एरिया दिख रहा है तो हम इतने एरिया बनाएंगे। हम साइड व्यू तभी बनाते हैं, हाइट कितनी है, 60 है। तो ये हमारा देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 60 लाइन खींची हुई, यानी फ्रंट व्यू मैंने बनाई हुई है। तो हमारी ये जो लेंथ है या हाइट है हमारा 60 ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, यही बिंदु हम यहाँ पर मैचिंग के लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 20 mm ले लेते हैं, यानी सेम हमारा यहाँ से 20 mm रहेगा कुछ इस तरीके से। और इसी को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं।
इसके बाद ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम आते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू पर हमें जो दिखता है जैसे ग्रीन ग्रीन मैंने डॉट डॉट कर दिया है, तो हमें यही चीज ऊपर से दिखेगा, तो जो दिखता है हमें वही बनाने होते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है 40 mm, यानी हमारी ये जो लेंथ है 40 mm की है, और इसकी जो ये लंबाई दी हुई है 20 है, यानी ये 20 ये 20 तो ये 20 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस बिंदु पर हम 20 खींच लेंगे। 20 खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे कुछ इस तरीके से, हम मैच कर देंगे और इसको हम इरेज कर देंगे। ये सारा क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे हम, ये हम इरेज कर दिए। अब इसका डायमेंशन हम दे देते हैं, इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन, सारे को डायमेंशन के हिसाब से हम दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डायमेंशंस दे चुका और ये डायमेंशन के हिसाब से 40, देखिए आप देख सकते हैं 40 साल, यानी 40 साल ये हमारा 20 है, तो इसके ऊपर का डायमेंशन नहीं दिया हुआ, इसके ऊपर का डायमेंशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है। देखिए हमारा 20 है, 20 और इस साइड का मैंने डायमेंशन नहीं दिया हुआ, इसका डायमेंशन यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो ये हमारे थर्ड एंगल का, ये हमारा थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का, ये थर्ड एंगल में है कि हमारा जो भी फ्रंट व्यू है, यानी राइट हैंड साइड वाला है, तो राइट हैंड साइड वाला दिया, ये भी राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में फ्रंट टॉप वाला है और लेफ्ट हैंड साइड पे केवल साइड व्यू बना है। तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है। और अगर फर्स्ट एंगल में होता तो ये हमारा यहाँ पर आता और ये हमारा यहाँ पर आता, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रख कर बोला जाता है।